हे बड़ी वर्सो, मैं हूं आपका दोस्त फैजान, लेकर आया हूं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप पटना में रहने जाने वाले हैं या फिर आप चाह रहे हैं पटना रहने का, आप सोच रहे हैं कि यार मुझे रूम कैसे मिलेगा, मुझे वहां रहना कैसे, तो इन सारी प्रॉब्लम को मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि यार वहां रूम कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, इन सारी बातों को मैं अपने इस वीडियो में डील करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब आप पटना रहने जाने वाले होते हो तो आपको काफ़ी दिक्कतें होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार मैं कैसे रहूं, मुझे कोई सोर्स नहीं है, मैं रूम कहां पर लूं, किस जगह पर लूं, पटना इतना बड़ा है मुझे कौन रूम देगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की दिक्कत मुझे भी आई थी जब मैं नया नया गया था। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा इसलिए कि ये वीडियो कम्प्लीट आपके लिए बना दूँ ताकि आपको दिक्कत ना सहनी पड़े। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि पटना में स्टूडेंट बेसिकली दो जगह रहते हैं। पहला जो जगह है वो बोरिंग रोड है और दूसरा जो है वो साइंस कॉलेज गांधी मैदान साइड है। ये दो जगह ऐसा है जहाँ पर कि स्टूडेंट रहते हैं, जिसे कि स्टूडेंट हब के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट हब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रहते हैं, आप यहाँ पर मोटिवेट रहोगे। आपको अगर पढ़ना है, पटना में रहकर पढ़ने का नियत है, तो आप इस दो ही जगह पर मैं रेफ़र करूँगा रहने का। एक गांधी मैदान और साइड में, और एक मैं बता रहा हूँ बोरिंग रोड साइड में, बोरिंग रोड। तो ये दो जगह है। तो उसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि भाई रूम कैसे मिलेंगे, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, उस आईडी पे मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा। मोबाइल नंबर आप हमें सट से मैसेज करो, सेकंड आपका रिप्लाई आएगा, मैसेज मोबाइल नंबर मैं आपको दूंगा, आप उस मोबाइल नंबर पर कॉल करना, बात करना, और सट से जो है ना आपको रूम मिल जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि पटना में स्टूडेंट तीन तरीके से रहते हैं। पहला तरीका है या तो आप अपना फ्लैट लो, या फिर सेकंड है लॉज लो, या फिर हॉस्टल लो। अब जब नया नया जब पटना जाते हो, आपको ना तो सब्जी का आइडिया है, सब्जी कहाँ मिलते हैं, क्या कहाँ मिलता है, खाना कहाँ से मैं बनाऊँगा, तो उस टाइम में मैं जो रेफ़र करता हूँ वो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप हॉस्टल ले लो। और हॉस्टल का जो फीस है वो लगभग जो है ना 5500 रुपया, यानी 5000 से 5500 रुपया में बहुत 5 स्टार आपको हॉस्टल मिल जाएंगे। एक रूम में 2 बेड होगा, ठीक है, एक रूम में 2 बेड होगा, आपको पढ़ने में कंफर्टेबल होगा, एवरीथिंग वहाँ पर अवेलेबल होगी। तो मैं जो रेफ़र कर रहा हूँ वो आप अगर नए नए हो तो हॉस्टल ले लो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉज भी ले सकते हो। सेकंड जो तरीका है वो लॉज है कि आप लॉज ले लो। अब लॉज कैसे लेंगे यार, तो लॉज का तो रेफरेंस है नहीं, तो मेरे पास जो नंबर इंस्टाग्राम पर आईडी पर है उस पर मैसेज करोगे, मैं आपको नंबर दूंगा, वही हॉस्टल वाले का नंबर है, वही लॉज वाले का नंबर है। तो अब लॉज का क्या प्रोसेस है कि लॉज में जो है ना पर बेड का हाईएस्ट 2000 रुपया लगता है, 2000 से 1500 के बीच में पटना में आपको रूम मिल जाएगा, यानी 2000 से 1500 के बीच में आपको पटना में रूम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात रही खाना की, तो अब जब नया नया जा रहे हो तो आपको खाने की बहुत दिक्कत होगी, आप खाना बना नहीं पाओगे। तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि आपको मेस ज्वाइन करना है, तो मेस ज्वाइन करना होगा। तो मेस का जो है ना हाईएस्ट 3000 लगता है, यानी मैं टोटल बता दूँ तो आपको रहने का, खाने का, इन सारी चीज़ को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपया ही आपको खर्च होने वाला है। नया नया में कितना, सिर्फ 5000 रुपया आपको खर्च होगा, सिर्फ 5000, ठीक है। और वही हॉस्टल का प्रोसेस है, आप 5000 तक का आप ले सकते हो, आप ले सकते हो 4500 तक का ले सकते हो। तो आपको यानी कहा जाए तो आप बेसिकली जो है ना वहाँ अगर रहना चाह रहे हो तो आपको मंथ के 5000 खाने पीने के खर्च होंगे, बाकी ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, रिक्शा फीस, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना लगता है, आप कितना अफोर्ड कर पाते हो, आप क्या क्या कर पाते हो। तो ये प्रोसेस हो गया। इसके साथ साथ आप अगर दोस्ती बना लेते हो, आपके 4 दोस्त हो जाते हैं, 3 दोस्त हो जाते हैं, तो उस टाइम में आप फ्लैट ले सकते हो। आप जाओगे वहाँ पर, फ्लैट की बात करोगे कि मुझे फ्लैट चाहिए, मैं 4 बंदे से हूँ, मुझे फ्लैट चाहिए। फ्लैट का जो बता देता हूँ, बेसिकली जो है ना फ्लैट सिर्फ और सिर्फ 7000 से लेकर 7000 से लेकर जो है ना 10000 के बीच में आपको एक नंबर 5 स्टार 2 BHK का आपको मिल जाएगा फ्लैट। तो मैं जो रेफ़र करता हूँ वो फ्लैट बेहतर होता है, पर फ्लैट तब बेहतर है जब आपके पास 3 दोस्त है, 4 दोस्त है, आप सब साथ में हैं, आप खाना बनाने लायक हैं, आप खाना बना पाएंगे, तो आप फ्लैट लेना। तो चलिए, तो इसी के साथ साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है ना पटना में रहने के सिर्फ और सिर्फ 5000
ही लगेंगे। रहने का 5,000 है, खाने का, ऑटो भाड़ा, ये वो। हम लोग जो है ये काफ़ी दिनों से रहने लगे हैं, तो हमें जो है एडजस्ट करने में 6 to 65 बस लगते हैं, मतलब 6,000 से 6,500 के करीब बस लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। वो खुद पर भी होता है, हम तो 6,000 ज़्यादा, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 5,000 में एडजस्ट कर ले, वो आप पर डिपेंड करता है। तो उसके साथ साथ मैं आपको फिर बताता चलूँ कि दो जगह ही रहना है आपको। पहला जगह क्या होगा, या तो गांधी मैदान साइड में रहो, सब्जी बाग, गांधी मैदान, बाकरगंज, NIT इस साइड में रहो, या फिर महेंद्रू, या फिर आप इस साइड में रह सकते हो बेली बोरिंग रोड, आप बोरिंग रोड में भी रह सकते हो। तो ये दो जगह है जहाँ पर स्टूडेंट रहना चाहते हैं, और यही वो जगह है जहाँ पर कि स्टूडेंट रहकर पढ़ सकते हैं, और कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपको बेहतर फील होगा। चलिए इसी के साथ साथ मैं अपना वीडियो करता हूँ बंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।